सोनी साहब, आज जब बाहर किसी का फायदा गिरा हुआ था मैंने उठा लिया, हाँ उसको बता देना कहीं वो मेरा फायदा ना उठा ले। हाँ ठीक है। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, मेरा फायदा उठा लो प्लीज। मैं सच बताऊं कृति, आपको देख के मैं सनन रह गया। आपको देख के मुझे वो गाना याद आ गया। कौन सा? अरे चले जब हवाएं सनन सनन। जब भी वो गाना मैं सुनता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए शादी कर लेता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी तरफ से आपको हाँ है। इंजॉय। कोई मेरी हाँ पूछेगा? करेक्ट है यार, अपनी उम्र देखिए क्या आपने। तेरे घर में बाप भाई नहीं है, दूसरे मर्दों की उम्र देखता है। और कैसे नॉनसेंस अंकल? हेलो एक्स्ट्रा ग्रोथ लड़की। एक बार इस अनप्लान्ड चाइल्ड के लिए जोरदार तालियां। आप राजेश अरोड़ा के कलेश अरोड़ा हैं यार, क्या कुछ भी बातें किए जा रहे हैं। कृति जी क्या सोचेंगी? कृति आप एक बार मुझे हाँ कह दो, मैं आपको तुरंत ना कह दूंगा। क्योंकि मेरी ना में मेरी हाँ है। कार्तिक के पापा डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मुझे आपसे बड़ी कंप्लेंट है, बड़े चलाक होते डॉक्टर। क्यों? अच्छा अपने बच्चे इतने प्यारे पैदा करते हैं, दूसरे लोगों को पता नहीं कौन सी दवाई देते, पता नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको नियम बता दें। इस खेल का एक ही नियम है, अगर सवाल का जवाब सही हुआ तो कृति आप मुझे हक देंगी, अगर गलत हुआ मैं आपको हक दूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? तुम हगो। हगोड़ा कहीं का। एक मिनट अंकल, पहले आप अपनी मुछे बना लो, क्योंकि नूडल्स की तरह आपकी आंखों में और नाकों में घुस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन हिमाचली मोमो। शुक्र कर आज मुझे जुकाम नहीं है, नहीं तो ग्रेवी वाली छींक तेरे मुंह पे मारता। आप तू कर गए। इनकी बातें तो चलती रहेंगी, हम खेला शुरू करते हैं। खेलते खेलते। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, 375 रुपए 50 पैसे और एक प्लेट गीरा राइस के लिए। अबे ओ भैंस की पूंछ पे लटके बंदर, गीरा राइस नहीं जीरा राइस रहते हैं। लेकिन हमारा गीरा राइस यार बाहर गिर गया था, वही उठा के दे रहे हैं उनको। ये तो शुक्र है हम आपको गीरा राइस दे रहे हैं, पिछली बार जो आए थे हमने उनको कीड़ा राइस दिया था। हमारा चलता है यार। तो लीजिए सबसे पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, दूध क्यों फटता है? ऑप्शन ए, दूध की सिलाई कमजोर है इसके लिए फट जाता है। बी, उबलता है इसलिए गुस्से से फट जाता है। सी, दूध को एसिडिटी हो जाती है इसलिए फट जाता है। या डी, दूध अपना खुद का भाव देखता है और देखता ही फट जाता है, इतना महंगा। बताइए। देखिए डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है। कितनी तुम बताओ, कुछ हेल्प करो जरा। मुझे लगता है कि दूध पनीर के लिए फटता है। सच में दूध पनीर के लिए फटता है। ये खाने वाला रोमांस मैंने पहली बार देखा है। अंकल मैं आपको एक सजेशन दूं, अपना सुबह भोर में उठने का 4 बजे उड़द की दाल रहती है ना, वो 10 किलो ऐसे पत्थर पे पीसा करो, उससे क्या होगा? उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जैसे आप हम लोग का करते हैं ना। चलिए इनकी सारी बातें इग्नोर कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे ऐसा लगता है बी, गुस्से से फट जाता है, क्योंकि उबलता तो है ही ना फटने से पहले, है ना? सही जवाब। ले लीजिए यार, 375 रुपए 50 पैसे जीत गए हैं आप। गीरा राइस मिल गया। हाँ गीरा राइस आपको मिलेगा, जैसे ही शो खत्म होगा पार्सल किया जाएगा, आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। डोंट यू वरी, ये पैसा भी अभी हम अपने पास रख रहे हैं, बाद में आपको दे देंगे। हैव फेथ ऑन अज, हम देंगे। ये लीजिए, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
अच्छा मेरी बात सुनो, अगर सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो तू क्यों पूछ रहा जाड़िए? इनको पढ़ने दे अपने आप। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं यार। मदद कर रहा है वो, दूसरे कंट्री से आए पागल कहीं का। तो ये लीजिए, हमें बताइए कि कार्तिक रात को सोने से पहले क्या करते हैं? ये तो तुझे पता होगा ना, ये मेरे से भी सवाल, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ओके, ऑप्शन भी हम ही दे रहे हैं आपको। ओके, बताइए हमें। ऑप्शन ए, जो काम कोई नहीं करता वो काम ये करते हैं। ऑप्शन बी, जो काम सब करते हैं ये भी वही काम करते हैं। ये है ऑप्शन, सभी करते हैं। ऑप्शन सी, इस उम्र के लड़के जो ज्यादातर करते हैं ये भी वही काम करते हैं। या ऑप्शन डी, ये अपने काम से काम रखते हैं इसलिए कोई काम नहीं करते। ये तो मुझे नहीं लगता होगा। ऑप्शन डी नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन सी है, सी जो सारे इस उम्र के लड़के करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको कैसे पता होगा, लड़के करते हैं ना। अच्छा आप जल्दी जवाब दे दो, फिर 9 से लेके 1:30 बजे तक किसका टॉयलेट जाने का टाइम होता है। देखिए आप ना एक ऑडियंस पोल कर लीजिए। मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, फोन कीजिए और ऑडियंस पोल मंगाइए आप। है ऑडियंस पोल लाओ, बोलिए फ्रेंड को। ये फ्रेंड है आपका, इसका वायर तो लग वो छोड़ो। हाय फ्रेंड, हाँ मुझे ऑडियंस पोल देना जरा। मांग लिया इन्होंने, लाइए ऑडियंस पोल। आएगा आएगा ऑडियंस पोल। आ रहा आ रहा है, आ रहा है। अपने पैरों से चल के आएगा वो। ऑडियंस पोल। अभी क्या करें पोल का? अभी म्यूजिक बजेगा और आपको ऑडियंस पोल पे नाचना है। इसी तरीके से जवाब सामने आएगा। आपको ऑडियंस पोल भी वो करना है जो इस उम्र के लड़के कहते हैं। चलो फिर ये वही बात होगी। दूध पनीर के लिए ही फटता है यार। कितना अच्छा किया इन्होंने। किसने कहा था हीरो बनने को चोर नहीं बन सकते थे? एक चुरा रहा हूँ ना आपका दिल। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा था। मैं क्या करूँ। मैं ये मंगलसूत्र भी अपना ही लेके आऊंगी, कोई खर्चा नहीं। इसीलिए मैंने लिव इन किया था, क्योंकि ये हरकतें पता चल जाती है फिर। तुम पोल डांस करती हुई बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी। मेरे को पसंद ही नहीं आई बिल्कुल भी ज्यादा। वो नफरत हो गई मुझे तुमसे। उनको मुंह तोड़ जवाब दो। वो जो आपने हाथ लगाया ना बहुत, वो दुख रहा है। अच्छा, और जो मैंने नीचे से धक्का लगाया और हड्डियां चुभी, जो मेरी उंगलियों का हाल हुआ, उसका किसी ने कुछ नहीं पूछा। भाभी हर किसी के पास आपके पति की तरह चार पिछवाड़े नहीं होते। 2 कुर्सी में रखे, 2 नीचे लटक रहे। तो भाई क्या करते थे रात को सोने से पहले? मैं बताता हूँ। बात हो गया, समझ गए बच्चा, समझ गए ना। मैं सोने से पहले अपने सपने प्लान करता हूँ, क्योंकि कई बार अच्छे सपने आ जाते हैं लेकिन मुझे पसंद है गंदे वाले। मतलब डरावने वाले। उसमें सुसु करने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डर के मारे वैसे निकल जाता है। आप उठो सुबह तो नींद पूरी हो चुकी होती है। अंकल आपको पता है, एक दिन ना एक चूहा रहता है। अच्छा। वो पाव भाजी खाने के लिए मीरा रोड जाता है। फिर ऐसा टीले पे ना सांबा बैठा होता है। अच्छा। वो बोलता है कितने आदमी थे। कितने? फिर उसको देखकर सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारता है। अच्छा। फिर सामने से रजनीकांत आता है, बोलता है इधर लेंगे मुन्नाड़ी सो ले मेरा माती रखेंगे। ये क्या बात, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सेम टू तुम्हारा भी ऐसे कुछ समझ में नहीं आता।
ये तो जवाब मजा ही आ गया। तू क्यों हंस रही है बीन बैग? कार्तिक हाँ मुझे यार मुझे मच्छियों मुझे खुदकुशी हो यार आप जैसे क्यूट लोगों ने ना हम जैसे लोगों का जीना हराम कर रखा है। सॉरी 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 स्टॉप बीइंग टची एंड ऑल। ये उड़ेगा अभी उड़ेगा ये गड़बड़ है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.